एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में बद्रीनाथ जगन्नाथ घूम घूम आओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्याम श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्याम श्यामा के, ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे, ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। वो परम आनंद की छरा, लेकिन सन्मुख कब आएगा, एहसास कब होगा, जब एक सदगुरु कृपा करता है, जब एक सदगुरु सहज कृपा करके नजर बख्श देता है। मुर्शिद आएगा जीवन के अंदर, मुरीद को अपनाएगा, प्रयास से नहीं अपनाएगा, सहज अपना लेगा। इसलिए हमारे भारत के सूफी संतों ने कुछ इश्क के मिजाज में बात की है, कुछ प्रेम की अद्भुत छटा पर बात की है। बोले जब तक मेरा मुर्शिद करुणा नहीं करेगा, लाख मैं प्रयास कर लू, कितनी समाधि लगा लू, और यहां तो संत कुमार कह ही रहे हैं, यत फलम न अस्ति तपसा ना योगेन समाधिना अनायसेन तत सर्वम सप्ताह श्रवणे लभे। बोले जो बड़ी बड़ी समाधि से नहीं मिल रहा, तप से नहीं मिल रहा, जीवन भर की आराधनाओं से नहीं मिल रहा, बहुत बड़े बड़े व्रतों से नहीं मिल रहा, स्थान स्थान पर तीर्थ का भ्रमण करने के बाद जो सहज नहीं मिलता है, वो केवल तब मिलता है जब सुखदेव जैसा कोई संत, कोई सदगुरु जीवन में उतरता है, वो अपनी करुणा भरी नजर आप पर कर देता है, तो फिर जो अनदेखा ब्रह्म है वो सर्वमुख आने लगता है। एक एक करुण दृष्टि, एक करुण दृष्टि, पीछे कारण कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, एक घना वन आया, और जैसे उस घने वन के अंधकार के अंदर महात्मा बुद्ध प्रवेश करने लगे, गांव के लोगों ने रोक दिया, बोले रुकिए महात्मा, भीतर मत जाइए। बोले क्यों? बोले इस खतरनाक वन के अंदर एक दुष्ट व्यक्ति रहता है, नाम है अंगुलीमाल। आप सबने सुनी होगी कहानी अंगुलीमाल की, जिसका लक्ष्य है जीवन का 1000 व्यक्तियों की गर्दन काटूंगा, 1000 व्यक्ति की संकल्प था उसका, प्रतिज्ञा थी उसकी, और हर व्यक्ति को मारने के बाद गिनती याद रहे तो उसकी एक उंगली काटकर माला बनाकर माला में पिरो लेता है। बोले बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, कितने व्यक्तियों का, कितने सैकड़ों व्यक्तियों का वध वो कर चुका है। लोगों ने प्रार्थना की, बोले महात्मन मत जाइए। बुद्ध मुस्कुराए, बोले अगर नहीं पता होता तो किसी और रास्ते चला जाता, अब तो इसी रास्ते जाऊंगा, अब यहीं से गुजरना है। लोग रोकते रह गए, महात्मा निर्भय होकर जंगल से निकल गए, प्रवेश किया। सांझ का वक्त हो रहा था, भयावान वन था, हिंसक पशु जहां रहते थे, और उससे अधिक खतरनाक था अंगुलीमाल। कितने दिन बीत गए थे, संकल्प था 1000 व्यक्ति का वध करूंगा, और बात कहती है कि 999 व्यक्तियों का वध कर चुका है, कत्ल कर चुका है, उनकी अंगुली काटकर गले में डाल चुका, इतनी लंबी माला पिरोई जा चुकी है। अब एक एक संकल्प रह गया था, एक व्यक्ति रह गया था संकल्प पूरा होने के लिए। कितने दिन हो गए थे, वन से कोई गुजर नहीं रहा था, और अचानक दूर बैठे वृक्ष के ऊपर बैठे अंगुलीमाल ने दूर देखा, कोई आ रहा है, तैयार हो गया। बोले आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, अपनी खड़ग उठा रहा है और उसकी धार तीखी कर रहा है, बड़ी दूर से देखता है बैठकर। बोले आज आज मेरा संकल्प पूरा होगा, और इधर महात्मा बुद्ध बड़ी निर्भयता से चले जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। अंगुलीमाल की दृष्टि महात्मा बुद्ध पर जा रही है, एक बार जैसे देखा, चेहरे की ओर नजर गई, बड़ी अलौकिकता थी, बड़ा तेज था, बड़ी शांति थी, मन हुआ अंगुलीमाल का भी। बोले बड़ा शांत नजर आ रहा है, इसे खबर नहीं होगी कि इस वन में कौन रहता है। लेकिन जैसे जैसे महात्मा करीब आते चले गए, वो खड़ग की धार तीखी करते करते अंगुलीमाल नीचे उतर रहा है, महात्मा करीब आ रहे हैं, अंगुलीमाल बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन महात्मा के चेहरे को देखकर, महात्मा की नियामत को देखकर विचार करता है, क्यों आया, चला ही जाए तो अच्छा है। महात्मा को दर्शन करने के बाद उस अंगुलीमाल के जिसने सैकड़ों कत्ल कर चुका था, एक बार उसका मन भी थोड़ा विचलित हुआ, कहीं ना कहीं मन थोड़ा गिरा,
कहीं ना कहीं मन में विचार आया, बोले चला जाए तो अच्छा है, मन नहीं कर रहा इस शांत मुद्रा वाले व्यक्ति को वध करने का, मेरे खड़क उठ नहीं पाएंगे शायद। मन विचलित सा होने लगा अंगुली माल का। महात्मा करीब आ रहे थे, बड़ी करीब आ गए, हाथ में खड़क थी, उठा नहीं पा रहा था, बढ़ा नहीं पा रहा था। महात्मा बुद्ध पास में से निकले जा रहे हैं, और जैसे निकले अंगुली माल ने आवाज दी, वक्त है अभी, बच नहीं पाओगे, वापिस चले जाओ। उत्तर नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने, चल दिए। धीरे धीरे सहज भाव से महात्मा चले जा रहे हैं। अंगुली माल ने खड़ग उठाकर कहा, हे रुको। जैसे कहा रुको, महात्मा पलटे, बोले मैं रुक गया हूं, तू कब रुकेगा। बस इस एक वाक्य ने अंगुली माल के जीवन का परिवर्तन कर दिया। बोले मैं रुक गया हूं, तू कब रुकेगा। अंगुली माल निर्भय होकर कहते, बोले डर नहीं लगता। बोले डर क्यों। महात्मा चले जा रहे थे, चलते चलते महात्मा कह रहे थे मैं रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा। अंगुली माल को लगा व्यक्ति थोड़ा पागल लगता है। बोले ये चला जा रहा है, अपने आप को रुकता कह रहा है, मैं रुका हुआ हूं, मुझे चलना कह रहा है। आप चल रहे हैं और कहते हैं आप रुके हुए हैं, मैं खड़ा हूं और मुझे कहते हो चलता जा रहा है। महात्मा ने उत्तर दिया, बोले भले तू शरीर से खड़ा है लेकिन तेरा मन चल रहा है। कभी तू खड़क उठाता है, कभी तू विचार करता है मार दूं, कभी तेरा मन कहता है कि छोड़ दूं। कितनी कितनी व्यथाएं तेरे मन में चल रही हैं, तेरा मन ही चल रहा है, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा। बोले डरने लगता मुझसे। बोले क्या कर सकता है। बोले आपका वध कर दूंगा। बोले मैं तैयार हूं, तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, उठाओ खड़ग और उतारो मेरी गर्दन। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे। मरने वाले की एक इच्छा तो पूरी करनी चाहिए कम से कम। बोले आज्ञा करें, क्या चाहते हैं आप। बोले ये सामने वृक्ष है, इसके दो पत्ते काट कर दे दो, बस इतनी बात कही। बोले इतनी सी इच्छा, उठाई खड़ग और मारी वृक्ष पर, एक दो पत्ते छोड़िए, दो चार टहनियां टूट के आ गई। महात्मा ने कहा, मांगता दो पत्ते हूं तू टहनी उतारता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हे अंगुली माल, तू इसे उठा, मुझे दो पत्ते दे दे, बाकी जोड़ दे। बोले कैसी बात करते, जोड़ूंगा कैसे। बोले फिर जिसको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार भी नहीं है, जिसको जन्म लेने का अधिकार नहीं है उसको मारने का अधिकार भी नहीं है। बस इतनी घटना घटी और अंगुली माल ने अपने सर को महात्मा के चरणों में झुका दिया। संकल्प अधूरा था लेकिन पूरा हो गया, झुक गया महात्मा के चरणों में। इस एक घटना ने क्रांति छेड़ दी भीतर कहीं अंगुली माल के। प्रसन्न हो गए महात्मा, पीछे पीछे शिष्य दौड़े चले आ रहे थे, कितने कितने शिष्य महात्मा बुद्ध के थे, और देख रहे शिष्य कि कैसे अंगुली माल शरण में आया है। और शरण में आते ही महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद दे दिया, बोले हे अंगुली माल तू प्राप्त कर लेगा, तू पहुंच जाएगा वहां, तुझे लग जाएगी समाधि, तू पालेगा ब्रह्म को, तुझे मिलेगा निर्वाण। और कहते अगल बगल के जितने शिष्य थे, खड़े थे, सुन रहे थे, मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। बोले हमें वर्षों बीत गए साधना करते करते, महाराज अभी तक हमारे गुरु ने हमें ये नहीं कहा है तू पालो पालोगे, तू अधिकारी है। और ये अंगुली माल जो इतने शस्त्र व्यक्तियों का कातिल है, वो एक बार शरण में आया, उसने एक बार सर झुकाया और गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे, तू ब्राह्मण हो गया, तू पा गया, तुझे मिल जाएगा। ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या थी शिष्यों के। गुरुदेव से प्रश्न करते, गुरुदेव ये सब क्या है, हमें वर्षों बीत गए साधना करते करते, आपके पथ पर चलते चलते, जैसा जैसा आप जो कहते हैं हम सब वही करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमें ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला कि हम सिद्धि को प्राप्त कर गए, हमें मिलेगा। ये अंगुली माल एक बार आपके चरण शरण में आया है और आप पा गए। जो इतना बड़ा कत्ल करने वाला कातिल है, शस्त्रों व्यक्तियों का वध करने वाला, वो प्राप्त कर लेगा और हम दिन रात साधना करने वाले पहुंच नहीं पाएंगे। ये कैसी युक्ति है सदगुरु आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। कुछ रहस्य है ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। बोले जानना चाहते हो मेरे संग चलना। भले अंगुली माल ने जीवन भर कितने कत्ल किए हों, लेकिन उस कत्ल की स्थिति से ऊपर उठ गया, वो मुक्त हो गया। वो ये गुरुदेव कह रहे हैं, वो कत्ल कर करके मुक्त हो गया, और तुम मुक्त थे, तुम फिर भी बंधे हुए हो,
तुम्हें बंधे हुए।